तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरे। हेलो गाइस, आपने जो स्क्रीन पर वीडियो देखी, अगर आप भी ऐसी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना होगा। इसमें जो भी मटेरियल यूज करूंगा सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आपको 16:9 रेशा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो पिक ऐड करनी है जिससे आप जो स्टेटस बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस पिक को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा। जैसे कट करूँगा उसके बाद आपको इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है जितना आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको जो इस आइकन में क्लिक करके बराबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप इसकी ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पिक पे क्लिक करके आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट को एड कर लेना है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं उस टेम्पलेट को एड कर लेता हूँ। जैसे मैं इस टेम्पलेट को ऐड करूंगा उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। उसके बाद साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो पहली पिक पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। जैसे बनाएंगे उसके बाद आपको इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है, ऐसे आपको एडजस्ट करके यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में चले जाके यहाँ से आपको एडजस्ट करके साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्रॉप वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो इसको क्रॉप कर लेना है, ऊपर से भी आपको इसको क्रॉप कर लेना है, साइड पे इसको क्रॉप करके इसको आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इस मास्क को इनेबल करके फेदर को आपको जो इंक्रीज़ कर देना है जितना आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। जैसे सेंड टू बैक करेंगे यहाँ पे आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेम्पलेट पे एड क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ब्लेंडिंग में चले जाना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करेंगे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट वाला ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे ब्लर वाले इफेक्ट में जाके ब्लर को सिलेक्ट करके यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको जो थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। इसकी आपको ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है जितना आपका वीडियो है। उसके बाद साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से आपको जो है 4 तक ब्लर रख लेना है। उसके बाद आपको साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको आपको फुल पे कर लेना है। जैसे फुल पे करेंगे यहाँ पे आपको पहली पिक पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को आपको जो है थोड़ा डिक्रीज कर देना है, इतना आपको डिक्रीज करके साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट ऐड कर लेना है। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को आपको ऐड कर लेना है। यहाँ से आपको इसको रोटेट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके वॉल्यूम को म्यूट करके यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करके आपको जो है नीचे चले जाना है ब्लेंडिंग में, यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको साइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉन्ग ऐड कर लेना है। कोई भी आप अपने लाइब्रेरी से सॉन्ग ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको सॉन्ग ऐड करके दिखा देता हूँ। मेरे लाइब्रेरी में कुछ सॉन्ग पड़े हैं, मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कि कैसा लगेगा। तो गाइज यहाँ से मैं इस सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कट कर लूँगा। अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि वीडियो स्टेटस कैसा बनाए। ये देखिए गाइस,
ये स्टेटस कुछ ऐसा बना है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।